बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बोला कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो बार बार ईडी सीबीआई विषय को लेकर सामने आकर उसे मुद्दा बनाकर उसको छालने की कोशिश की जा रही है। तमाम मुद्दों पर बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता प्रिया तिवारी ने। बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, विपक्ष लगातार ईडी सीबीआई को लेकर बोल रही है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, विपक्ष हमारा विपक्ष के पास कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो बार बार वो ईडी सीबीआई इस विषय को सामने लेकर मुद्दा उछालने की कोशिश करते हैं, और वही विपक्ष अलग अलग राज्यों में जाकर दूसरे लोगों को चोर बोलते हैं। राहुल गांधी सीपीएम दोनों ईडी सीबीआई के खिलाफ बोल रहे हैं दिल्ली में, लेकिन जब राहुल गांधी जी जब केरल जाते हैं तो पिनाराई विजयन को बोलते हैं कि ईडी मेरे खिलाफ सक्रिय है लेकिन पिनाराई को नहीं पकड़ती। आप अधीरदा से पूछ लीजिए, अधीरदा ममता बनर्जी दोनों चिल्ला रहे कि केंद्र सरकार ईडी सीबीआई का मिसयूज कर रही है, लेकिन आप बंगाल के बारे में पूछेंगे तो अधीर रंजन चौधरी बोलेंगे कि ममता बनर्जी की पार्टी करप्ट है, उनके खिलाफ सीबीआई की ईडी की जो इंक्वायरी हो रही है पूरे परिवार के खिलाफ वो सही है। मतलब हमारे विपक्ष एक दूसरे को चोर बोल रहे हैं, और हम उसी चोर को पकड़ते हैं, जब ईडी सीबीआई जब पकड़ते हैं तो हमें गाली देते हैं, यही प्रॉब्लम है। तो मगर विपक्ष का कहना है कि अडानी और मोदी के रिश्ते को जो छुपाने की बात की जा रही है, जो घोटाला है उसकी बात की जा रही है, इसलिए सीबीआई ईडी लगाई जा रही है हमारे पीछे। देखिए, सीबीआई ईडी से कुछ छुपाया नहीं जा सकता, तो कोर्ट ने तो कमेटी तैयार करके दिया है, कमेटी इंक्वायरी कर रही है, तो जो लोग इंक्वायरी कर रही है वो तो वो लोग इंक्वायरी करके बाहर लाएंगे, सारे तथ्य सामने लाएंगे। हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री जी इतना साफ सुथरा चेहरा है, उनको छुपाने की कुछ चीज है ही नहीं। तो बिजनेसमैन क्या इस देश में पहले नहीं थे? धीरूभाई अंबानी क्या इस देश में नहीं बने थे? तो धीरूभाई अंबानी जब बने थे तो कांग्रेस का रिजिम था, तो कोई बंदा अगर बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस बढ़ रहा है, तो इसमें लोगों का दुख क्यों होना चाहिए? सबको कोशिश करना चाहिए, सब ऐसे बड़े एंटरप्रेन्योर बने, अपनी इतनी बड़ी साम्राज्य यहाँ पे स्थापन करे, पूरे विदेशों में बिजनेस दे, लोगों को काम दे, तो कैसे काम मिलेगा? लाखों करोड़ों हमारे नौजवान है, हर साल शिक्षित होकर बाहर आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेजों से, तो इनको जॉब कैसे मिलेगा? सर, तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने कहा है कि तृणमूल मंदिर है, उसमें जो ममता बनर्जी है वो भगवान की, उनको भगवान से तुलना की है, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, तृणमूल कांग्रेस में एक ही पोस्ट है, बाकी सब हम बोलते हैं लैम्प पोस्ट है, तो इसलिए ममता बनर्जी की बनर्जी को बटन लगाने के लिए जो चाहे जो भी बोल देता है। लेकिन ये जो उस नेता ने बोला है कि पुरोहित चोर होते हैं, देवता चोर नहीं होते, तो इससे बंगाल की पूरी पुरोहित समाज यानी ब्राह्मण समाज बहुत क्रोधित है, और वो शायद राज्यपाल से भी मिलने वाले हैं और उनको ज्ञापन भी देने वाले हैं कि बंगाल की जिस मिनिस्टर ने ये बात की शोभन देव ने, ये बहुत ही अपमानजनक बात है, उनको विथड्रॉ करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। सर, राहुल गांधी का कहना है कि मैं डरता नहीं हूँ, मगर अब बीजेपी की आंखों में मेरा डर दिखाई दे रहा है, जिसलिए जो मानहानि का केस लगाया गया है, और लगातार जो मोदी चोर का जो उन्होंने बोला था उसमें हमने संबोधन में, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? राहुल गांधी को अगर लगता है कि बीजेपी उनसे डर रही है तो ये खुशफहमी उनको रहना चाहिए, खुशफहमी में रहने से उनका भी तबीयत अच्छा रहेगा, बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था हमारे साथ सुकांत मजुमदार, मैं प्रिया तिवारी, लाइव 7 दिल्ली।